सो गाइस बीआर में रैंक पुश करने के लिए आप लोगों को जो आज टिप्स बताऊंगा वो बहुत ही ओपी होगा, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो मैं मास्टर में पहुंच चुका हूं और गाइस जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके खेलूंगा वो तो बहुत ही ओपी है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप लोगों को जो मैं गेम प्ले आज दिखाऊंगा ना वो बहुत ही ओपी है, इसकी मदद से आप लोग आराम से मास्टर पुश कर सकते हो, ठीक है। एकदम सेफ और सही तरीका बताऊंगा आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूं जो मैंने आज के मैच में लेके खेला है। तो सबसे पहले मैंने मेन कैरेक्टर जो एक्टिव कैरेक्टर है उसमें लिया है हुकोंग, ओके। उसके साथ मैंने बीआर रैंक के लिए सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर है वो है गाइस रफेल कैरेक्टर लिया है, एंड उसके साथ मैंने लिया है लियोन कैरेक्टर को जो मेरे को एचपी प्रोवाइड करेगा थोड़ा सा डैमेज होने से, एंड गाइस लास्ट में मैंने लिया है मैक्सिम कैरेक्टर जो जल्दी जल्दी मेडिकेट मारने में मेरे को बहुत मदद करेगा बीआर रैंक में, ओके। तो गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके आप लोग सोलो में भी खेल सकते हो एंड गाइस स्क्वाड में भी खेल सकते हो, ओके। एंड इसके साथ गाइस आप लोगों को लोड आउट में जो लेना है वो है गाइस बॉनफायर, ओके। तो गाइस अच्छे से देखो मास्टर और ग्रैंड मास्टर जाने के लिए कैसे खेलना पड़ता है, ओके। और गाइस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो गाइस मैं आ गए प्लेन के अंदर, आप लोग देख सकते हो मैं ओपी तरीके से लैंडिंग कर रहा हूं, मेरे पास फेल्को पैड है और गाइस मेरे को ना सबसे पहले उतरना है, ठीक है। और गाइस प्लेन से उतरने का जब भी टाइम मिलता है ना मैं तुरंत उतर जाता हूं क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी उतरना है, गन लेना है और बंदे एक दो किल करना है। तो ये चीज ना आप लोगों को भी दिमाग में रखना होगा, फर्स्ट टाइम आप लोगों को कुछ भी कर एक ना एक किल तो करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि सोलो में अगर खेल रहे हो तो आप लोगों को ऑटो रिवाइव का ऑप्शन 100% मिलेगा और गाइस पहले पहले टाइम ना बंदे के पास कुछ नहीं रहता, गन भी नहीं रहता, बेस्ट भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो इजीली आप लोग बंदे को मार सकते हो। तो इसलिए हमेशा टारगेट रहो दिमाग में कि आप लोगों को उतरने के बाद ना एक किल करना है। तो इधर मुझे MP40 मिल गया लेकिन बंदे को मार नहीं गया, लेकिन बंदे ने मेरे को क्या ही खतरनाक डैमेज दिया भाई साहब, मैं मर गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को किल नहीं मिला लेकिन अभी भी मेरे पास और एक चांस है सोलो में खेलने का, यही फायदा है गाइस आप लोगों को दो चांस मिलता है, ठीक है, ओके। तो गाइस अभी क्या करना है, अभी ऐसी जगह उतरना है जहां पर बंदे नहीं है। तो गाइस इधर मैं देख रहा हूं क्या ब्लू जोन में ना एक भी बंदा नहीं उतर रहा, क्योंकि जो जो बंदे लोग उतरे थे ना सबके सब क्लॉक टावर में उतर गए। तो मैं ओपी तरीके से ब्लू जोन चला गया और सही में ब्लू जोन में कोई बंदा नहीं था, मैं ओपी तरीके से आराम से इधर जो जो मेरे को सामने मिला सब कुछ लूट लिया और लूटने के बाद आराम से इधर उधर देखने लगा कि बंदा है कि नहीं। गाइस ब्लू जोन में बंदे इसलिए नहीं है क्योंकि इधर ना अच्छा खासा लूट नहीं मिलता, सबको ये चीज पता है। तो ये चीज मेरे को भी पता था इसलिए मैं इधर ही उतरा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग ऑटो रिवाइव हो गए ना तब ऐसी जगह आप लोगों को उतरना होगा जहां पर कोई बंदा नहीं रहे, आप लोगों को बस सर्वाइव करना है, ठीक है। मैं भी इस मैच में सर्वाइव करके खेलूंगा और गाइस आप लोग किल के चक्कर में मत जाना, आप लोग बस लास्ट तक वीडियो को देखो मैं कितना किल करता हूं, ओके। क्योंकि गाइस किल के चक्कर में जो बंदे जाएंगे ना वो बंदे कभी भी मास्टर ग्रैंड मास्टर पुश नहीं कर पाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो गाइस सर्वाइव करके खेलो, आराम से लास्ट में आप लोगों को किल मिल जाएगा। उसके बाद ब्लू जोन में इधर उधर जाने के बाद ना एक बंदा मेरे सामने आ गया, मतलब उसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया पीछे से लेकिन मैं एकदम ओपी तरीके से कवर में चला गया, ठीक है। और अभी क्या करना है, उस बंदे को कुछ भी करके मारना है, मेरे को किल निकालना है। अगर बंदा बहुत ही ओपी तरीके से सर्वाइव कर रहा होगा मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मेरे को अभी ना आराम से लास्ट तक जाना है। तो इधर देख रहा हूं कि बंदा मेरे को मतलब एकदम ओपी तरीके से खुलने में आके मार रहा है, तो मैंने क्या किया गाइस एकदम ओपी तरीके से इसको हेडशॉट मारा और भाई बंदा खत्म। तो ऐसे करके गाइस ओपी तरीके से मैंने पहला किल कर लिया, ठीक है। और अभी क्या करना है, इसको लूटना है ओपी तरीके से, और इधर अभी ब्लू जोन में एक भी बंदा और नहीं है। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज ना आप लोगों को याद रखना है। देखो जैसे कि इस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया और मेरे को ना बचाया किसने, लियोन कैरेक्टर ने, जो डैमेज मेरे को मतलब इसने दिया था ना वो लियोन कैरेक्टर ने रिकवर कर दिया। तो इसलिए लियोन कैरेक्टर बहुत ही ओपी रोल प्ले करता है, ठीक है, जब भी आप लोगों का थोड़ा सा डैमेज लगता है। तो गाइस ये जो कैरेक्टर है जैसे कि लियोन, उसके बाद फोर्ड कैरेक्टर, उसके बाद के कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है ये तीनों कैरेक्टर से आप कोई भी एक कैरेक्टर बीआर रैंक में आप लोगों को लेके खेलना, क्योंकि देखो अगर आप लोग कोई भी ऐसा करेक्टर लेते हो तो आप लोगों को दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा कि आप लोगों को मेडिकेट मारना होगा, आप लोगों का हेल्थ कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद रखना होगा, ओके। तो गाइस इधर से मैंने ओपी तरीके से लूट लिया क्योंकि अभी ना एक भी बंदा मेरे को दिखाई नहीं दिया इस ब्लू जोन में, तो मेरे को ना एकदम ओपी तरीके से लूटने का चांस मिल गया इधर, और मैंने ओपी तरीके से लूट भी लिया। अभी क्या करना है, अभी अच्छे से मेरे को गन कॉम्बिनेशन सेट करना है। मेरे पास ऑलरेडी M41 है, वो भी मैक्स लेवल का, मतलब मैंने लेवल 3 तक इसको अपडेट कर दिया, और अभी ना मेरे को कुछ भी करके M10 लेना है और वो भी ना मैक्स करके। तो गाइस मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूं क्योंकि सोलो में ना ब्लास्ट में अगर आप लोगों के पास मैक्स वाला M10 रहेगा
तो भाई साहब जो भी बंदा सामने आया ना उसको भी आप लोग आराम से मार सकते हो, ठीक है। ओके तो गाइस उसके साथ मेरे पास टोकन भी बहुत अच्छा खासा है, तो अभी क्या करना है मेरे को जाके एकदम वेंडर मशीन से ग्लू वेल खरीद लेना है अच्छे से, एंड हो सके तो मेरे को ना यूवी लाइट खरीदना है, क्योंकि गाइस लास्ट में ना बंदे लोगों का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। अगर बंदे का पोजीशन मैं जान लेता हूं ना तो ओपी तरीके से जोन रोटेट कर सकता हूं और उसके साथ आराम से उसको थर्ड पार्टी भी कर सकता हूं, तो इसलिए ओपी तरीके से मैंने खरीद लिया इधर से वेंडर मशीन से यूवी लाइट। आप लोगों को भी गाइस कुछ भी करके कहीं से भी कुछ भी करके टोकन वोकन ढूंढ के या तो एयर ड्रॉप लूट के आप लोगों को यूवी लाइट है ना लास्ट तक लेना है, ठीक है। ये अगर आपके पास रहेगा ना लास्ट में कोई भी बंदा आप लोगों को मार नहीं पाएगा, ठीक है। ध्यान से ये चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्स है। ओके तो अभी क्या करना है, अभी गन कॉम्बिनेशन भी हो गया और गाइस मैंने एक भी किल भी कर लिया, अभी लूट भी अच्छे से हो गया। अभी क्या करना है, अभी जोन रोटेट करके ना एकदम ओपी तरीके से जोन में जाके बैठना है, मतलब लास्ट जोन जहां पर गिरेगा उधर मिशन कंप्लीट होने से उधर दिखाई देता है, जैसे कि इस मैच में आप लोग देख रहे हो मेरे को दिखाई दे रहा है कहां पर लास्ट जोन गिरा है, तो मैं ओपी तरीके से उधर जाके अभी बैठूंगा परमानेंट कवर लेके। और उससे पहले गाइस इधर ना एक सुपर एयर ड्रॉप है और इसको मेरे को कुछ भी करके लूटना है, क्योंकि इधर से मेरे को बहुत ही खतरनाक चीज मिलेगा जो मेरे को बुया लेने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो गाइस सुपर एयर ड्रॉप कैसे लूटना है इसको देख लो। सबसे पहले एयर ड्रॉप के सामने जाके आप लोगों को एक कवर लेके ग्लोअल मारना है। अगर आप लोगों के पास ग्लोअल नहीं हो तो कभी भी एयर ड्रॉप लूटने मत जाना, मतलब सुपर एयर ड्रॉप लूटने मत जाना, क्योंकि अगर ग्लोअल का कवर नहीं लोगे तो चारों तरफ से बंदे मारेंगे आप लोगों को। तो सामने से मेरा कवर हो गया, पीछे से कवर हो गया, बस साइड से अगर कोई बंदा आता है उसको मैं निपटा लूंगा। तो गाइस ये ट्रिक यूज करके आप लोगों को सुपर एयर ड्रॉप लूटना है। और उसके साथ देखो मेरे पास यूवी लाइट था तो मैंने यूवी लाइट इधर एक यूज कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है बंदे लोग आएंगे 100%, तो इसलिए मैंने देख लिया पहले कि बंदा कहां से आ रहा है, कोई बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज ना छोटी छोटी चीज आप लोगों को करना होगा, तभी जाके आप लोगों का मास्टर ग्रैंड मास्टर हो पाएगा। ध्यान से ये चीज को याद रखना, ये टिप्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो इधर से आप लोग देख सकते हो बहुत ही ओपी से मेरे को ओपी सा चीज मिल गया, मेरे को मिल गया इधर रिवाइवल किट और उसके बाद मिल गया मेरे को बहुत सारा ग्लोअल और उसके बाद यूवी लाइट भी इधर मिल गया, और इधर से मेरे को मिल गया चिप, मतलब M10 मैक्स करने का चिप भी मिल गया, ठीक है। और टोकन तो है ही मेरे पास, तो इस एयर ड्रॉप को आराम से लूट के ना ओपी तरीके से मैं चला गया घर के अंदर, मतलब इस कवर में। तो इधर मेरे को अच्छे से चारों तरफ से कवर मिलेगा और गाइस बंदे लोग भी मिलेंगे। मैं एक्चुअली जा रहा था वेंडर मशीन में, क्योंकि गाइस मेरे को ना कुछ भी करके M10 मैक्स करना है, M10 नहीं है मेरे पास, तो उधर जाके मैंने ओपी तरीके से M10 लिया और उसको मैक्स किया, बस खत्म बात। अभी क्या करना है, बस मेरे को ना अभी थर्ड पार्टी करके बस किल निकालना है, और अभी कैसे निकालता हूं आप लोग बस देखते जाओ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ओपी तरीके से सामने फाइट हो रहा है और गाइस मेरे को ना एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइस उस बंदे ने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैं ओपी तरीके से घर के कवर में आ गया और घर के कवर में आके ना आराम से खिड़की से देख रहा था कि बंदे कहां पर है। उसके बाद गाइस मैंने अच्छे से देखा कि बंदा ना टावर के ऊपर है, मतलब ये जो पोस्टर है ना इसके ऊपर। तो भाई साहब इस बंदे को मैंने क्या ही खतरनाक हैंड मारा भाई साहब, आप लोगों को क्या ही बताऊं। उसके साथ साथ मैंने और एक बंदे को देखा, उसको भी मैंने ओपी से हेडशॉट मार के मार दिया, एंड उसके बाद और एक बंदा देखा कवर में, मैंने उसको भी थोड़ा सा डैमेज दिया भाई साहब। इधर मैंने बैक टू बैक कितने ओपी तरीके से देखा ना, 3 किल किया, वो भी थर्ड पार्टी करके बहुत ही खतरनाक तरीके से एकदम सर्वाइव करके एकदम ओपी तरीके से कवर में बैठ के। तो गाइस इसलिए बोलता हूं ना किल के चक्कर में मत जाओ, लास्ट में ना ऑटोमेटिकली आप लोगों को किल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने थोड़ा सा इधर वेट किया, क्योंकि देख रहा था कि और भी बंदे है कि नहीं, लेकिन इधर से कोई बंदा नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैं ओपी तरीके से एकदम कवर में जाकर ना यूवी लाइट फिर से यूज किया, तो देख रहा था कि बंदे लोग कहां पर है। तो मैंने यूवी लाइट में देखा कि बंदा एक मेरे सामने है, तो मैंने उस बंदे को मारा नहीं, ओपी तरीके से धीरे धीरे कवर कवर लेके उसके सामने गया। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाके गाइस इस बाउंड्री का कवर ले लिया मैंने, और गाइस इधर से मैं देख रहा था कहां कहां से बंदे आ रहे हैं। तो एक बंदा मेरे ऊपर इधर ही आ रहा था मेरे को मारने के लिए, और गाइस उसको मैंने मारने का कोशिश किया, लेकिन दूसरे बंदे ने इसको मार दिया। तो मैंने दूसरे बंदे को थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन बंदा एकदम कवर में चला गया। तो मैंने इधर थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद फिर से जोन आ रहा था आप लोग देख सकते हो, और 3 बंदे अलाइव है अभी, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, मैं ओपी तरीके से साइड साइड से निकल रहा था और गाइस दोनों बंदे के बीच फाइट हो रहा था उधर। तो मैंने ओपी तरीके से इधर से जाकर ना एक बंदे को हेडशॉट मार के क्या ही खतरनाक तरीके से मार दिया। तो मेरा हो गया था गाइस 5 किल कंप्लीट, और गाइस अभी बंदे थे बच्चे 1, ठीक है, मतलब 2 बंदे का बीच फाइट होगा मेरा और सामने वाले बंदे का, मतलब टॉप 2 का सीन हो चुका है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, मेरे पास M10 था तो मैं ओपी तरीके से कवर वबर लेके एकदम ओपी तरीके से इधर साइड में आ गया। बंदे ने मेरे को खतरनाक डैमेज दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कवर वबर लेके मतलब ग्लोअल वल मार के ओपी तरीके से अपना हेल्थ पूरा कर लिया, एंड उसके बाद मैं ओपी तरीके से रेडी होकर उसको मारने जा रहा था, लेकिन भाई बंदे ने आके क्या मारा कैसे मारा कुछ पता नहीं चला, डायरेक्टली मैं मर गया।
तो ऐसे करके गाइस मेरा बुया मिस हो गया, लेकिन गाइस मेरा ओपी तरीके से प्लस हो गया, मैंने 5 किल भी किया और गाइस मेरा टॉप 2 भी हुआ। तो गाइस इस ट्रिक को फॉलो करके आप लोग भी आराम से टॉप 2 कर सकते हो एंड गाइस हर एक मैच में प्लस ले सकते हो एंड आप लोगों का ग्रैंड मास्टर मास्टर आराम से हो जाएगा। तो गाइस यही था वीडियो, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे एक लाइक कर देना मेरे भाई लोग, और चैनल पर नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। ओके तो गाइस मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। और गाइस धोनी जीत गया, मतलब चेन्नई जीत गया कल, क्या ही मजा आ गया भाई साहब, क्या मैच था। आप लोगों ने किसको सपोर्ट किया था प्लीज कमेंट में बताना जरूर, ठीक है।